आईपीएल ऑक्शन से जुड़ी खबर। आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन का दूसरा दिन शिवम दुबे को जिंदगी भर रहेगा याद, जाने वजह। आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन का आज दूसरा दिन है जिसमें कल से ही खिलाड़ियों पर बोली लगाई जा रही है और उन पर पैसों की बरसात हो रही है, जिसके चलते शिवम दुबे को एक साथ दो खुशियों पर जश्न मनाने का मौका मिल गया है। भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे को आज महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 करोड़ रुपए में खरीद अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ सुबह उन्होंने अपने घर एक नए मेहमान का स्वागत किया है। जी हाँ, आज सुबह ही शिवम दुबे के घर नन्ना मेहमान आया है। तो वहीं दोपहर तक चेन्नई सुपर किंग्स ने शिवम को अपनी टीम का हिस्सा बनाने का ऐलान कर दिया था। शिवम का नीलामी के लिए बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। आईपीएल नीलामी में शिवम के लिए सबसे पहली बोली लखनऊ सुपर जायंट्स ने लगाई। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने 65 लाख रुपए तक बोली लगाई। राजस्थान के हटने के बाद लखनऊ और पंजाब किंग्स के बीच होड़ देखने को मिली। लखनऊ की टीम ने 2 करोड़ की बोली लगाने के बाद खुद को अलग कर लिया। ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स की टीम उन्हें 2.20 करोड़ रुपए में खरीद लेगी, तभी चेन्नई सुपर किंग्स की एंट्री हुई। इसके बाद तो किंग्स के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। पंजाब किंग्स की टीम 3.80 करोड़ की बोली लगाकर बाहर हो गई और चेन्नई ने 4 करोड़ की बोली लगाकर इस ऑलराउंडर को अपनी टीम में शामिल कर लिया। वहीं शिवम के पिछले कुछ सालों की बात करें तो उन्हें 2019 आईपीएल नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 5 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 2021 की नीलामी में 4.40 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब चेन्नई ने उन्हें 4 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है, जो कि इस बात का सबूत है कि शिवम की कीमत बीते सालों के साथ गिरती जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस साल होने वाले आईपीएल में इनका कैसा प्रदर्शन रहता है। धन्यवाद।